पर आज कहते हैं 8-10 घंटे नींद करनी चाहिए, लेकिन हुआ नहीं यार। ये उस दिन का है, इसमें मैंने फोटोज लिए थे नीट के, वो फोटो एक दो कापी जब मैंने दिया ना, पैनिक सिचुएशन से डील किया उसी टाइम, अल्लाह से दुआ मांगी, डीप ब्रीद किया, ऊपर से ही मैसेज आई, भैया फिजिक्स देख लो। मैंने देखा यार 1 घंटा भी चलेगा, अब पैनिक सिचुएशन स्टार्ट हो गई। ये पैनिक सिचुएशन मुझे हुई, अल्लाह की कसम, एग्जाम है। मैंने कहा ये कुछ, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू यानी कि आज कुछ ही घंटे बचे होंगे मेरी जिंदगी को, अब क्या बनेगा, कल एग्जाम है, पास नहीं हो जाऊंगा तो बर्बाद हो जाऊंगा, लाइफ खत्म है। 4 साल का मैंने ड्रॉप लिया है, इस बार नहीं हुआ तो बस मेरे पास एक ही ऑप्शन है, मैं खत्म हो जाऊंगा, आई हैव नो ऑप्शन लेफ्ट देन टू डू सुसाइड। ऐसे भी ईमेल आते हैं, यकीन नहीं हो रहा है तो कुछ वीडियोज हैं यूट्यूब पे, उसके नीचे कमेंट्स देखो, मुझे सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, घर वालों ने जबरदस्ती की, मेरे को नहीं देना था, क्या मैं अपीयर हो जाऊं? अरे हो जाओ भाई, टेंशन क्यों लेते हो। काफी सारे टिप्स आपको मिल रहे होंगे कि भाई साहब अभी अर्ली सोना, प्रोटीन रिच डाइट खाना, डार्क चॉकलेट्स खाना। अब वो गरीब बच्चा क्या करेगा जिसके पापा को अभी अरेंज करना पड़ रहा होगा पैसा कोई दूर शहर भेजने के लिए, क्योंकि उसका सेंटर थोड़ा दूर है, सुबह की किराया का इंतजाम करना पड़ रहा होगा, जो फेयर लगेगा उसको गाड़ी में, उसका इंतजाम करने के लिए। अब वो डार्क चॉकलेट्स कैसे खाए? प्रोटीन रिच डाइट खाओ, अपना फेवरेट मनपसंद फूड खाओ। सारे टिप्स मिल रहे होंगे, जिसके पास अवेलेबल हो टिप्स फॉलो करने के लिए करो, एकदम चिल रहो, चिल। तुमको क्या लगता है कि हम लोगों को जिनका नीट हुआ है वो लास्ट पे उनको कोई टेंशन वेंशन नहीं होती थी, वो क्या एकदम चिल रहते थे? मैं अपनी बात करूं, मैं भी चिल रहने की कोशिश की मैंने, बट फिर भी मैं चिल उतना नहीं हो पाया, बट कोशिश करता रहा मैं। ये बोल रहे हैं कि 8-10 घंटे आप नींद लो, लेकिन भाई साहब मैं वो वीडियो पोस्ट करूंगा, सुबह जब मैंने उठा अल्लाह कसम उस रात तकरीबन 2-2.5 बजे मेरे को नींद आई, इतना ज़्यादा टेंशन हुआ। मैंने अपने यारे खास को फ़ोन किया, अरसलान भाई को फ़ोन किया, बाहर थे वो, अरसलान भाई थे तो उन्होंने भी काफ़ी मोटिवेट किया मुझे। तो यार मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अपने पेरेंट्स से बात कर लो। अभी कुछ बच्चे जैसे कुछ टिप्स फॉलो करते थे कि आप भी रात को भी पढ़ना, वो फॉर्मूला शीट्स को रिवाइज करना है वो सब, लेकिन कुछ बच्चे अगर उनको प्रॉब्लम हो रही है, वो नज़र मार रहे हैं और उनको नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं कि मैं शायद भूल जाऊंगा मुझे ये सब, तो उनको बोल रहा हूँ यार चिलैक्स, बंद कर दो ये किताबें विताबें, कुछ नहीं होने वाला, अब जितना हो सकता था हो गया, बंद करो अब ये, मेरी बात सुनो। जो बच्चा 3 साल का ड्रॉप लिया हो, इतने सारे एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदों के बोझ तले बैठा हो, उसको भाई साहब 9 PM पे नींद नहीं आने वाली, 11 बजे भी नींद नहीं आने वाली, कुछ लोगों को नींद नहीं आने वाली, बता रहा हूं मैं, मुझे खुद 5 घंटे की वो बेसुकूनी नींद मैंने की, 2-2.5 बजे नींद आई, सुबह 7 बजे उठा शायद, ऐसा कुछ था, मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया, वो मैं लास्ट पे पोस्ट करूंगा, वो देख लेना अच्छे से, और वो उसी दिन का था कि उसके बाद मैं नीट एग्जाम हॉल में जाने वाला था। तो क्या लगता है तुमको कि प्रोटीन रिच डाइट खाने से ही एग्जाम हॉल में तंदुरुस्त रहोगे तुम? का मैं इन टिप्स पे उतना बिलीव नहीं रखता हूं, मैं जुनून पे बिलीव रखता हूं, मैं इश्क पे बिलीव रखता हूं कि भाई साहब जिसको पता है ना कि मेरे को करना है, अब इस बार नहीं हुआ, उसने इतना सारा स्ट्रगल किया, उसने इतने सारे फेलियर्स देखे, वो जल रहा था अंदर से इन सालों तक, इतने सालों की मेहनत, उसको पता है यार ये चॉकलेट वॉकलेट उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ उसको टेंशन बहुत होगी, उसको नींद भी नहीं आएगी रात को, तो फिर क्या उसको एग्जाम हॉल में नींद आएगी? मुझे एक बंदा दिखाओ जिसको एग्जाम हॉल में नींद आई आज तक नीट में, नहीं आती होगी, पता है क्यों? कैटेकोलामाइंस का बवंडर आता है, एड्रेनलिन का रश हो जाता है उधर हार्मोन से, क्योंकि तुमको पता है ये वो फर्जी मॉक नहीं है, दिस इज द अल्टीमेट मॉक, जो आपका पूरे इतने सालों की मेहनत को बोलेगा ये 3 घंटा, ये लो भाई साहब आपकी सिलेक्शन हुई ना हुई, बर्बाद हो जाऊंगा, नहीं हुआ तो नेगेटिव थॉट्स बोल रहे हैं कि लाइफ में और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तुमको क्या लगता है डिग्री कॉलेज फर्जी में बैठे उधर, वहाँ जो प्रोफेसर सिलेक्ट होते हैं वो खत्म है, उनको कोई सैलरी नहीं मिलती है, जिंदगी तो है बस यही तो है। ये ऑरा जो हमने इसको जनरेट किया है ना, पता नहीं कैसे हो गया, हम भी इस ऑरा के शिकार हो गए, बच्चे भी इसी ऑरा के शिकार हो रहे हैं कि बस यही है जिंदगी है, वरना ये नहीं तो कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। अभी लास्ट नाइट पे मैं यार कहानी बस यही बोल रहा हूँ कि मुझे भी बहुत टेंशन हुआ था,
इन सारे एस्पिरेंट्स को बहुत ज़्यादा टेंशन होती है रात को, इनको पता होता है, मुझे तो सबसे ज़्यादा हुई थी कि मुझे, मैंने बोला था या क्योंकि मुझे वो एक वो है ना, वो चैलेंज दे रहा था, ये एक वो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में मैं जा रहा था कि यार मेरे जो जिनको मैं पढ़ा रहा था उनका नीट हुआ, जिनसे मैं डिस्कस कर रहा था, जिनको पता था आदिल भाई तो सिलेक्शन लेगा, मेरी नहीं हो रही, उनकी हो रही है, तो मेरे को वो नेगेटिव इमेज बनना शुरू हो गई थी। तो उस नेगेटिव इमेज को तोड़ने के लिए मैंने कहा कि यार जितने साल लगने लगने दो, लेकिन इसको तोड़ के रहूँगा। तोड़ दिया अल्लाह के हेल्प से, मदद से, लेकिन वो मदद भी उनको करता है जो पहले खुद की मदद करते। पता चला कुछ पड़ा वड़ा नहीं है तो फिर ये कर लो वो कर लो, ऐसा कुछ नहीं होता। बस यार चिलैक्स, सुबह उठा मैं फिर 7 बजे शायद नींद खुल गई, वो वीडियो में आज रिकॉर्ड है, पता नहीं उसमें क्या बोला था, वो एग्जैक्ट सच बोला था मैंने। तो फिर तनवीर भाई उस्ताद अपनी गाड़ी में चले गए यार अपने सेंटर पे। उस दौरान मैंने बहुत चिल्लाया गाड़ी में, हु हा, उस्ताद कह रहे यार क्या हो गया इसको, मैंने कहा ये चिलैक्स मूड है, आप उनको अभी चिल होने गए, मैं खुद को काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे भी काम हो जाए ना काम हो जाए भाई, क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा भी पैनिक हुआ ना हालत खराब हो जाएगी, इतने सालों का ड्रॉप ईयर सिस्टम एकदम पानी मेहनत पे, तुमको क्या लगता है, जरा सा पैनिक हो जाओगे ना, जरा सा जितने सालों की मेहनत है ना खत्म हो जाएगी, वो खत्म एक सेकंड में, तुमको क्या लगता है, बस पढ़ लिया मॉक दे दिए 600 आ रहे थे बढ़िया है भाई, अभी 690 एक्सपेक्टेड है, पतला एग्जाम हॉल में टेंशन हो गया, खत्म हो गया सब, तो पैनिक नहीं होने का भैया बता रहे हम। तो बस चले गए उधर, पेपर देखा बायोलॉजी में पेपर कर रहा था यार, बायोलॉजी पहले सब बायोलॉजी करते हैं, 20-21 क्वेश्चंस को गोला मारा, समझ ही नहीं आ रहा था ये क्या है, रीजन एसर्शन इंटो था फ्रॉम था, ये क्या है मुझे इसमें डाउट हो रहा है, 21 क्वेश्चंस भाई साहब, ये सब करते करते उनको फिर से देखते देखते जब मैंने देखा यार 1 घंटा भी चलेगा, अब पैनिक सिचुएशन स्टार्ट हो गई, ये पैनिक सिचुएशन मुझे हुई अल्लाह की कसम एग्जाम में, मैंने कहा ये क्वेश्चन 5-6 रह गए, इनको अब डायरेक्टली मूव ऑन टू द केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में भी रीजन एसर्शन, टेंशन खतरनाक होगी, ये एग्जाम हॉल की हालत है, जो जो मेरी वीडियो देख रहे हैं ना उनको पता है कि फिर मैंने काम किया ऐसे पेपर में अल्लाह की कसम, 1 मिनट का मैंने पॉज लिया, आंखें बंद डीप ब्रीदिंग और अल्लाह से बोला कि अल्लाह आज मेरी इज्जत बचा ले, जितना हो सकता था मैंने अपना पूरा दिया, लेकिन इस पेपर में मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि आई एम नॉट एबल टू डू इट, जैसे मैंने ये कहा ना 1 मिनट में, अल्लाह की कसम जैसे कोई वहां से आ गया दिमाग में भर दिया कि भाई साहब तूने फिजिक्स नहीं देखा है, जल्द फिजिक्स देख, एंड 37 मिनट्स में मुझे ये टाइम कभी नहीं भूलूंगा, 37 मिनट्स आई सॉल्व फिजिक्स 180 क्वेश्चंस, जिसमें मैंने 2 का गोला गलत भर दिया, एक कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक थी मेरे 165 फिजिक्स में, अगर वो दुआ मैं नहीं मांगता और अगर मैंने वो पैनिक सिचुएशन अपने ऊपर हावी कर दी होती तो अभी मैं कॉलेज में नहीं होता, वो दुआ मांगी पैनिक सिचुएशन से डील किया उसी टाइम, अल्लाह से दुआ मांगी डीप ब्रीथ किया, ऊपर से ही मैसेज आई भैया फिजिक्स देख लो, फिजिक्स में पूरा साल तुमने मेहनत किया है जरा फिजिक्स तो देख लो, अरे फिजिक्स बहुत इजी था, खटाखट खटाखट 165 ने अल्लाह की मदद से मेरे को बचा लिया, एग्जाम कॉलेज में था, सोच लो अगर मैंने वो पैनिक सिचुएशन में फिर से केमिस्ट्री पे ही जान लगाई होती भैया के उन 5-6 क्वेश्चन जो फिर भी नहीं हो रहे, 7-8 क्वेश्चन जो भी थे उन पे ही जान लगाई होती और अपना फिजिक्स जो मुझे सब आ रहा था वो नहीं किया होता, तो ये टिप आप ले लो, आप भी यही करना, एग्जाम हॉल में अगर थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हुआ ना आंखें बंद डीप ब्रीदिंग बस 1 मिनट ज्यादा मतलब पता चला सोने लग गए, ऐसा कुछ नहीं करना है, और ऊपर वाले से बोलो कि यार अब अगर सच में मेहनत मेहनत की है यार मुझे कुछ कर लो, इस वक्त इज्जत है मेरे 3 सालों की मेहनत है बचा लो, आई होप कि वो बचा लेगा इंशाल्लाह। लास्ट नाइट है भाई साहब, चिल रहो, माँ बाप से बात करो, बस यही है जिंदगी और क्या है, सो जाओ, नींद आएगी तो सो जाओ, नहीं आएगी ना तब भी टेंशन मत लेना, नहीं आएगी तो क्या करें, टेंशन हुआ है तो क्या करें, अरे नहीं आ गई ना नींद, मर तो नहीं जाएंगे ना, बॉडी है बॉडी अकोमोडेट कर पाएगी, खुद का इतना हार्मोनल सिस्टम है अल्लाह ने रखा है, कर पाएंगे हार्मोनल सिस्टम बराबर ही हो जाएगी, कैटेकोलेमाइंस आएंगे बवंडर लेके तुमको नहीं सोने देंगे, यकीन करो अगर पूरा साल तुमने अच्छे से पढ़ा है ना, मैं बता रहा हूँ ना, कल यार पास हो जाओगे, एक चीज मैं दिखाता हूँ, मेरा पर्स है इसमें रखा है मैंने, ये उस दिन का है, इसमें मैंने फोटोज लिए थे नीट के, वो फोटो 1-2 कॉपी जब मैंने दिया ना एग्जाम, आई विल शो यू दिस एग्जाम, हाँ जो काला पेन होता है उससे ही लिखा जब मैंने एग्जाम दिया, वो दुआ के बाद जब सारा कुछ हुआ फिर भी मैंने लास्ट पे लिखा अल्हम्दुलिल्लाह यूर हार्ड वर्क पेड ऑफ टुडे, कमाल में ही पता चल गया कि भाई साहब आप सिलेक्ट होने वाले थे, क्योंकि मैंने देखा ना फिजिक्स में खटाखट खटाखट 37 मिनट गोला सा खत्म, और मेरे को पता था मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा उसी वक्त, इट्स बिकॉज ऑफ दैट दुआ, इट्स बिकॉज ऑफ नॉट बींग पैनिक दैट टाइम, और उस उतना सारा पैनिक सिचुएशन को कंट्रोल किया।
वीडियो 10 मिनट हो गई लेकिन क्या करें, अभी थोड़े पढ़ने जाओगे, बट 10 मिनट देखो वीडियो, और वो लास्ट वाली जो वीडियो है अभी शेयर करूंगा, इसके साथ ही रखूंगा, 10-12 मिनट की वीडियो बन जाएगी, और देखो भाई बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक फॉर यू गाइस, फोड़ के आना। गुड मॉर्निंग गाइस, आई डोंट नो ये क्यों जाता बट हो जाता है, यू नो जब आपने अच्छा प्रिपरेशन किया होता है। इनफैक्ट यस्टर नाइट मुझे नींद नहीं आया, ऑलमोस्ट 2 बजे नींद आई। इट्स लाइक कि रोज़ अपना शेड्यूल था कि 1-1.5 बजे सोना, तो यार वैसे ही टाइम पे 2-2.5 बजे नींद आई और 7 बजे खुल गई, मतलब 5-5.5 घंटे नींद हो गई। और आज कहते हैं 8-10 घंटे नींद करनी चाहिए, लेकिन हुआ नहीं यार, अभी एग्ज़ाम भी है। इनफैक्ट माइंड माइंड को भी थोड़ा रिलैक्स नहीं लग रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं इसी स्थिति में एग्ज़ाम देना और पास करना अच्छी बात है इस फील्ड में, क्योंकि आप देखो जब आप डॉक्टर बनोगे तो आपको नींद बहुत कम लेनी पड़ती है, एंड उसी दौरान आपको 24 आवर ड्यूटीज़ भी, आपको कभी कभी 2 डेज की ड्यूटी, सर्जरी वगैरह सब। तो यार इस फील्ड में आपको बहुत ज़्यादा ये कंट्रोल करने की ज़रूरत है। जैसे अभी नींद आ रही है तो क्या करूँ, अभी थोड़ा पढ़ लेता हूँ फिर सो लेता हूँ, फिर घंटा बचता है एग्ज़ाम सेंटर से पहले आ जाऊँगा, एग्ज़ाम दे क्या होगा, इंशाल्लाह सब पेपर सही हो जाएगा, देख लेना, बता रहा है इंशाल्लाह।